नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा लव जिहाद के मुद्दे पर आज आक्रामक हो गई। नवनीत राणा अमरावती पुलिस थाने पर पहुंचकर पुलिस अधिकारी मनीष ठाकरे से उलझ पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक द्वारा जबरदस्ती एक हिंदू लड़की से की गई शादी के मामले को पुलिस दबा रही है। इस लव जिहाद के मुद्दे पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और जब उन्होंने पुलिस अधिकारी से फोन कर उनसे सवाल किया तो उनका फोन रिकॉर्ड किया गया। नवनीत राणा ने पुलिस अधिकारी से सवाल किया कि उन्हें एक लोक प्रतिनिधि का फोन रिकॉर्ड करने का अधिकार किसने दिया। नवनीत राणा पुलिस थाने में संबंधित अधिकारी से ये सवाल कर रही थी कि जब उन्होंने उनसे फोन कर उनसे कहा कि वह युवक को पकड़कर उससे सवाल करे कि उसने लड़की को पकड़कर कहां रखा, तो उन्होंने ऐसा करने के बजाय किस अधिकारी से फोन रिकॉर्ड करवाया। पुलिस थाने के बाहर जुटे मीडिया कर्मियों से नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती में लव जिहाद जोर शोर से शुरू हो गया है। फिर एक बार एक हिंदू लड़की को अगवा कर लिया गया है। जब वह लड़की कहाँ है, कैसी है, इस बारे में पुलिस कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रही है। जब एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते वह फोन कर पुलिस अधिकारी से सवाल कर रही है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उनका फोन रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, लड़की के परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए वे मदद के लिए आज सांसद नवनीत राणा के घर पहुंची। इसके बाद नवनीत राणा ने पुलिस अधिकारियों को फोन किया और कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के पास जवाब नहीं था। जवाब देने की बजाय पुलिस अधिकारी ने सांसद का फोन रिकॉर्ड कर लिया। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। 15 साल की 17 साल की लड़कियों को भगा लिया जा रहा है और फिर उन लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे इस खबर पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देख रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। धन्यवाद।